हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरफ फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। और हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या पटना में भी मोनोरेल चलेगा। मैं आपको बता दूं मोनोरेल होता क्या है। मेरे मोनोरेल बिल्कुल जो है वो मेट्रो रेल की तरह होता है, बट इसमें एक सिंगल बॉगी होता है और ये बिल्कुल बस की तरह होता है। और इसके मैग्नेटिक जो है वो पहिए जो है वो आपके फ्लाईओवर जैसे आकार के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो अभी पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मोनोरेल चल रहा है, वो है हमारा मुंबई सिटी। तो पटना में भी प्रपोज्ड हुआ था कि मोनोरेल चलाया जाएगा पटना जू में। ये खबर जो है 2018 की है और पटना और बिहार के सभी लोकल न्यूज़पेपर्स में खबर छपा हुआ था। पर अब ये कंफर्म नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। परंतु मेरे हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो बिहार और पटना को टूरिज्म के सेक्टर में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो मेरी तो इस वीडियो को बना करके ये दरख्वास्त है बिहार सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और अब मैं आपको बता दूं, ये उस समय की खबर थी कि पटना जू में जो है वो मोनोरेल चलाया जाएगा। पटना जू के भीतर जो अभी आज के डेट में बच्चों की जो ट्रेन चलती है, तो उसके जगह पे पटना जू में फ्लाईओवर्स जैसा स्ट्रक्चर बना करके उसके ऊपर में मोनोरेल चलाया जाएगा। यही खबर थी जिसके ऊपर अभी मैं वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। हमारे इस वीडियो के थ्रू आप देख पाएंगे मोनोरेल चलता कैसा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे कि मोनोरेल होता क्या है, कैसे चलता है और कैसे इसको चलाया जाता है। और जब ये पटना जू में चलेगा तो इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे फायदा हो सकता है कि पटना जू में विजिट करने वाले जितने लोग होंगे वो पूरे पटना जू को घूम पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है पटना जू का एरिया काफी बड़ा है, कई लोग जो है पैदल घूम नहीं पाते हैं, तो उसके लिए या ऐसे लोगों के लिए मोनोरेल बहुत ही बढ़िया साधन हो सकता है अगर ये बन जाए तो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर बहुत ही अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहेंगे। यूएसए हमें आपका सपोर्ट मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा।